सुनो दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम आम तौर पर क्या भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सुन सकते हैं मुझसे अभी। तो ध्यान से सुनिए, ये वही है जो मैं आपसे करने के लिए कहना चाहती हूँ। सपने देखें, बच्चे की तरह सपने देखें, ईमानदारी से, खुले दिल से सपने देखें, जैसे किसी ने कभी आपको यह भयानक वाक्यांश ना कहा हो, सपने सच नहीं होते, ये झूठ है। आपके सपने सच होंगे यदि वे आपके हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि उनके लिए आप करते हैं कर्म। सपने सपने प्रेरित करते हैं, सपने उत्साह देते हैं और कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सपने आपको बिस्तर से बाहर निकालते हैं, आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सपने आपको खुश करते हैं, क्योंकि आप किसी बुरी चीज के बारे में सपना देख ही नहीं सकते। सपने आपको देते हैं पंख। सपना देखें, सपना आपका वेक्टर है, विश्वास और आंदोलन के साथ देखा एक सपना एक लक्ष्य है और लक्ष्य निश्चित है, यह दिशा देता है। एक सपने के बिना आप अंधे हैं, आप यूं नहीं जानते जाना कहाँ है। आप जगह जगह घूमते रहते स्पिनस्टर समान, कहीं भी जहां मर्जी हो जीवन का शांत प्रभाव उड़ा ले जाए, एक जहाज बने सपने देखें। होश पूर्वक जिए, पूरा जीवन खुल के जिए, ख्वाब देखें, ये सपने हैं जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देते हैं। सिर्फ मौजूद ना रहें, खुलकर जीवन जिए। मैं विनती करती हूँ, हम सिर्फ काम करने या मौजूद रहने या सूरज के नीचे अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं आए, हम सपने देखने आए थे और उसी प्रकार करने निर्माण। सपने देखें, मुड़कर पीछे ना देखें, अपने बारे में सपना देखना, ना कि जो आपको बताया जाए। आपका सपना छोटा हो सकता है, फिर भी यह आपका है, इसे सच करें और कुछ और फिर के बारे में सपना देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सपने के बाद सपना, सपने के बाद सपना, यही जीवन है, क्या आप समझे? यही जीवन है और जीवन इसी के बारे में है। सपना देखें, मैं विनती करती हूँ, अन्यथा दूसरे लोग आपके लिए सपना देखेंगे, लेकिन तब आप अपना जीवन नहीं जिएंगे बल्कि उनका जिएंगे, और आप दूसरों के सपने को साकार करेंगे, अपना नहीं। क्या आप ये चाहते हैं? क्या ये आपके लिए जीना है? क्या ये वही है जिसके बारे में आपने सपना देखा था जब आप छोटे थे और अपने सपनों से प्यार करते थे? सुनो दोस्त, रुकिए, भागिए मत। आप इस समय पर बिना सपने के वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके पास। मुझे समझ ही नहीं आया कि आप समय को कैसे नाश कर सकते हैं। रुके, याद करें कि आपने क्या सपना देखा था, जैसे आपने कभी देखा था कि एक दिन आप बड़े हो जाएंगे, सफल और कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कि एक वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, कॉस्मोनॉट बनेंगे। आपने सपना देखा था पूरी दुनिया की यात्रा करने का, नई चीजों की खोज की, एक उत्कृष्ट कृति बनाने का, खुद की स्मृति छोड़ देने का, या कैसे जाने बिना, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप निश्चित रूप से खुश होंगे, और फिर किसी कारण आपने सपना देखना बंद कर दिया, आप बड़े हुए और दुनिया सपने देखने वाले पागल लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसी को भी अपने सपने पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने कहा अरे ये असंभव है, इसे रोको, मूड कुछ गंभीर करो। सब कुछ जो हम सराहना करते, उपयोग करते, जिसके सामने सेल्फी लेते हैं, वह कभी किसी का सपना था, किसी के संभव कल्पना, किसी का लक्ष्य और विश्वास था। सपने देखे दोस्त, जहां पे भी आप हो, जो कुछ भी बन चुके हो, अपने सपने को सच करने में कभी देरी नहीं होती। सोचो, अगर आप जीवित नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? आप वास्तव में चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए। इंसान को खोजने और फिर निर्माण करने के लिए बनाया गया था। आप कुछ भी ना चाहे और किसी भी चीज के लिए प्रयास ना करें, यह अप्राकृतिक और असामान्य है, क्या आप समझे? आज शुरू करने के लिए एक उत्कट समय है, बीता हुआ या आने वाला कल नहीं, सोमवार नहीं, आज सपने देखना शुरू करें। सपने छोटे, सपने बड़े देखें, अपने आप को और दुनिया को उस तरह से देखें जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं। इसे अपनी कल्पनाओं में, अपने दिमाग में पहले बनाएं, अपना खुद का मास्टरपीस बनाएं। सपने देखें, विश्वास करें, कभी हार ना माने, कभी अपने सपनों को धोखा ना दें। मैं आप पर विश्वास करती हूँ मित्र, और आपको भी होना चाहिए। शुरू करें देखना ख्वाब।
गुड इवनिंग लीडर्स, अगर आपको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर नजर आई तो प्लीज प्रेस वन कीजिए ताकि मुझे लगे कि सब काम सही चल रहा है। अगर एक दबाइए आपको सबको सब नजर आ रहा है क्लियर और मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है आपको सबको। गुड, या थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद सबका। सब शुरू करने से पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक है मेरी तरफ से और माई कंपनी की तरफ से। हम चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो नया साल आया है सबके खुशियों भरा आए, जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाहिशें हैं, जो आपका विजन है, जो मिशन है, वो सबके साथ आपका फुलफिल हो। लेकिन लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। अगर सपने लेते हैं, ड्रीम सपने लेते हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सपने लेने से मेरा काम ख्वाब पूरा हो जाएगा और मैं सपने लूंगा मैं अमीर बनूंगा। देख कैसे अमीर बनेंगे, लाइफ के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है दोस्तों, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम उस चीजों को पीछे छोड़ जाते हैं। जैसे मैंने लाइफ के अंदर बहुत कुछ किया, लाइफ के अंदर अब आपके लाइफ के अंदर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे ऐसे दोस्त आएंगे जिनके सारी जिंदगी विदाउट किसी गोल और एम्बिशन के साथ आप उनके साथ रहते हैं। अब भी आपके लाइफ के ऐसे दोस्त होंगे जिनका कोई गोल्स नहीं है, जिनको कोई एम्बिशंस नहीं है। मैं सही कह रहा हूं? अगर हाँ तो एक दबाइए, अगर ना तो दो दबाइए। आपके सर्कल में ऐसे दोस्त होंगे जिनका मकसद कुछ नहीं है, जिनके कोई ड्रीम्स नहीं है, बस वो भगवान पे बैठे हैं, बस वो किसी किस्मत में बैठे हैं भी एक दिन भगवान छप्पर पार कर पैसा देगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे दोस्त होंगे जिनका कोई एम्स नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जो ये सोचते हैं जॉब, सारी जिंदगी जॉब कर करके हम जब एंड में अपना जो वक्त गुजारेंगे बुढ़ापे का, वो वर्ल्ड घूमेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक पूछता हूं, लाइफ की सारी जिंदगी अपने जब से हमने जॉब शुरू की है और जब तक करते रहेंगे, जब हमें रिटायरमेंट मिलेगी उसके बाद सब कुछ होगा, पैसा होगा मैं मानता हूं, लेकिन खर्च करने के लिए आपको दुनिया जाना पड़ेगी, दुनिया घूमने के लिए आपको हर चीज वो जो है वो आपका होगी, लेकिन एक चीज नहीं होगी आपके पास, आपकी हेल्थ। उस टाइम हम होंगे एक एज के पार, बुढ़ापे पे, उसे घूमना कहते हैं, उसे लाइफ में अचीवमेंट कहते हैं, उसे लाइफ में क्या कहते हैं, सक्सेस कहते हैं? नहीं दोस्तों, लाइफ का मतलब, ड्रीम्स का मतलब आज है, जब हम पूरी दुनिया घूमें। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं, कई लोग ये सोचते हैं भी हम उन लोगों के पीछे लगे जो लोगों को एम्बिशंस नहीं है, जिन उन लोगों के पीछे लगे जिन लोगों के कई माइंड कर ये नहीं सोचा उन्हें लाइफ में करना क्या है, अब ये चाहते हैं? नहीं दोस्तों, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मैं किसी दोस्त के पीछे लगूंगा उसके बाद, लेकिन उस दोस्त के पीछे लगने का मतलब क्या है, उस फ्रेंड के पीछे किसे लगना है, उसका मकसद क्या है, उसका ड्रीम्स क्या है। जिंदगी में हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपने उन सपनों को सच करने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा, और ऐसा काम कीजिए जब तक उस सपने को पूरा करने के लिए आपको सक्सेस ना मिले। आप में से कितने लीडर इस टाइम, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, कितने लोग इस टाइम पूरे वर्ल्ड में घूमना जाना चाहते हैं? नंबर एक दबाइए, ये पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, जिसने ये सोचा मैं फ्यूचर में पूरा वर्ल्ड घूमूंगा। मैं बिल्कुल राइट, एक बिल्कुल सही बोला आपने दोस्तों, जैसे आपका सपना था ऐसे मेरा सपना था, मैं भी यही सोचता था जब मैं हिंदुस्तान में था, मैं भी यही सोचकर हिंदुस्तान 2002 में हिंदुस्तान छोड़कर मैं यूरोप में आया। आपको पता क्या लेने आया? फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं ये सोचता था अपना देश छोड़कर
विदेशों में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, फिर अपने देश में लौट के आऊंगा, अपने मातृभूमि में लौट के आऊंगा और जहां कुछ बड़ा बिजनेस करूंगा। लेकिन दोस्तों 15 साल फैक्ट्री में जॉब किया मैंने, लेकिन आज तक मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, एक साल पहले की बात कह रहा हूं मैं, एक साल पहले फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली मुझे। मालूम मुझे क्या मिला दोस्तों? फाइनेंशियल प्रिजन, फाइनेंशियल जेल मिली। एक जितना खाता था उतना अपने आप लगाता था। वो कहते ना हिंदी में कहावत है, कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है। तो दोस्तों जैसे ही मैं भी ऐसे करता रहा, 15 साल फैक्ट्री जॉब किया। मुझे आज वो दिन याद है जब मेरे पास 2004 में जब मैं एक साइकिल ली थी, इसलिए और एग्जैक्ट एक साल बाद फैक्ट्री के बाहर मैंने अभी साइकिल खरीदी थी और किसी ने मेरा साइकिल का टायर ही चोरी कर लिया था। जब टायर चोरी किया था तब उस टाइम मैंने भगवान को देखा, मैंने कहा भगवान एक साइकिल दिया उसका टायर चोरी करा दिया तूने। लेकिन जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं ये सोचता था फैक्ट्री के अंदर 8 से 5 काम करने से, जैसे आप सोचते हैं 8 से 5 या 9 से 5 जो टाइमिंग होती है ऑफिस की, उससे डिपेंड भी आप सोचते हैं लाइफ के अंदर हम पैसा कमा लेंगे। नहीं दोस्तों, मैं 15 साल जॉब करने के बाद यही सोचता था भी एक दिन ऐसे आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, पैसा इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा। लेकिन पैसा कमा लेंगे लेकिन उसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आज मैंने 1 जनवरी को ये इसलिए वेबिनार रखा आप सबको अपनी रियलिटी लाइफ के बताने के लिए। मैं आपको मोटिवेट कुछ नहीं कर रहा, ना कुछ बता रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ पर्सनल लाइफ के लिए। को लाइफ के अंदर ऐसे मौके मिलते हैं कि जिसको ढूंढते नहीं है, ढूंढना पड़ता है, उन पर काम करना पड़ता है। मैं भी ऐसी लाइफ जीता था 8 से 5, सुबह से लेकर शाम तक 15 साल जॉब करता था, मेरे घर के पास फैक्ट्री थी। मैं सोचता था मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, कपड़ा रोटी मकान मिल रहा है मुझे। जो पे सर्कल था 2000 यूरो था मेरा महीने का, 2000 यूरो, वो काम करने पड़ते थे कल 8 घंटे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब माइंड में और दिल में एक चीज उठा, सारी जिंदगी में 8 से 5 ही करता रहूंगा। जब एक बार मेरे बच्चे ने कहा पापा आज बर्फ पड़ रही है, सर्दियों का दिन था मुझे याद है, फादर आज बर्फ पड़ रही है, आप मुझे गाड़ी पर स्कूल छोड़ेंगे? उसके बाद मैंने बेटे को छोड़ने गया स्कूल, स्कूल छोड़कर ओनली 20 मिनट काम पर लेट पहुंचा। जब 20 मिनट काम पर लेट पहुंचा, मालक ने, मेरे बॉस ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ भी इतने साल काम करने के बावजूद भी मैं इनके लिए वैल्यू नहीं हूं। एक इंसान हूं, एक रोबोट हूं जो 24 घंटे काम करना चाहता हूं, इनको काम से मतलब बाकी कुछ नहीं। उस दिन अपने आप रियलाइज हुआ मेरे सपने क्या है, मेरे खुशियां क्या है। मेरा आज आधा घंटा लेट, 20 मिनट लेट होने के बावजूद मुझे कंपनी का बॉस मेरे पर सबके सामने बेइज्जती कर रहा मेरी, तो उसके बाद फ्यूचर में ऐसा क्या करेगा? इसका सिक्योर नहीं है, इसका मतलब अभी फैमिली को मैं टाइम दे सकता? मैं इसी चीज में एक माइंड कुछ था, कुछ करूं, कुछ मिले कुछ नहीं। उसके बाद मौका मिला 2018 में रशिया में मिंस्क बेलरूस के अंदर जाने का मौका मिला। जब वहां गया तब जाकर मुझे महसूस हुआ, तब जाकर मुझे एक चीज महसूस हुई, मेरे सपने क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। मुझे अपने फ्यूचर नजर आने लग गया। तब माइंड में एक चीज घुसी कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, क्यों लोग अमीर लोग हैं अमीर बनते हैं, क्या चीज है उनके इंस्ट्रूमेंट। आप में से कोई लीडर सोचता ना पैसे कमाने से मैं अमीर बन जाऊंगा? नहीं दोस्तों, पैसे कमाने से, अर्निंग से बंदा अमीर नहीं बनता। अमीर इंसान बनता है जब उसी पैसे को मल्टीप्लाई करता है 100 गुना, और उसी मल्टीप्लाई करने के बाद हर महीने मंथली उसे पैसिव इनकम घर में आती है, ताकि उसके पूरे एक्सपेंसिस पूरे मंथली एक्सपेंसिस कवर होते जाए और कैपिटल उसका सेफ है, उसे अमीर कहते हैं, उसे कहते हैं बिजनेसमैन, उसे कहते हैं इन्वेस्टर। और ये सब का सब मुझे महसूस हुआ जब वहां जाकर मैंने कंपनी की एजुकेशन ली,
आपसे बात एक बात शेयर करूं आपसे, जब इनके वहां जब वहां जाके स्टडी की, जब देखा वहां पर 5,000 से ज्यादा लोग वहां पर आए थे वहां कंपनी के ईमेल ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद आज मैं दुनिया घूम रहा हूं। लेकिन 15 साल बाद कोई ऑपर्चुनिटी मिली, 15 साल के ऑपर्चुनिटी के बाद मुझे अपने सपने महसूस हुए, सपनों में क्या काम करना है। अगर सपने लेते रहोगे, अगर उसमें काम नहीं करोगे, सपने ओनली सपने रहेंगे, ड्रीम जस्ट ओनली ड्रीम्स रहेंगे अगर आप उन पे काम नहीं करेंगे तो। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए आपको हर चीज का एक पूरी की वेल स्टडी करनी पड़ेगी, ना कि किसी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। आपको एक सीक्रेट बताऊं मैं, इन चीज को सक्सेस मैंने कैसे पाया, जो अपने लाइफ के सपने थे, फर्स्ट स्टेप, मेरे गोल्स, मेरे अचीवमेंट्स, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, लेकिन मैं सपनों को फर्स्ट स्टेप मैंने कैसे कवर किया आप सुनना चाहेंगे। वो कौन सी चीज है जिसने मेरे यहां भेजे में डाला भी लाइफ के अंदर, तू क्या क्या कर सकता है। नंबर एक दबाइए अगर आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। लीडर सब सीक्रेट जान जाते हैं, लेकिन सीक्रेट एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, लिखा हुआ, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज when everyone else is not interested, you cannot succeed by buying what is already popular. Life ke andar best time invest kab hota hai, jab koi duniya interest nahi hoti, ye life ka best time hota hai, aur aap jo already is duniya popular hai usme kabhi paisa nahi kama sakte. Example deta hu aapko bitcoin ki, agar 2009 mein aapko bitcoin value pata hoti, aap us time invest kiye hote, aaj aap million billion hote. I'm right? Amazon 2014 में जब इनके प्री-इक्विटी शेयर्स ओपन हुए थे, उस टाइम आपने इन्वेस्ट किया होता है, आज आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन होते हैं। I'm right? Google, Facebook और ऐसी ऑपर्चुनिटी जो हमारी आंखों से स्लिप होकर गई हैं। आज अगर बिटकॉइन लेने जाएंगे, कम से कम $7,000 का है एक बिटकॉइन लेना चाहेंगे तो, अमेज़न का शेयर का प्राइस आज 1400-1800 प्लस है। फेसबुक का, एमआरएफ का, जितने भी आपको पता है दुनिया में बॉन्ड्स हैं, इक्विटी शेयर्स, सबकी वैल्यू को पता है, लेकिन हमें पहले नहीं मालूम था। कारण क्या था? लैक ऑफ नो, लैक ऑफ एजुकेशन कारण। और वही बेस्ट टाइम था पैसे कमाने का। आई एम राइट? आज भी आपके पास मौका दोबारा मिला है आपको, लेकिन कोई भी इंसान इस चीज को समझता नहीं है कि लाइफ में हमने करना क्या है। हम सब इस चीज के लिए भाग रहे हैं। हमारे में से कुछ लीडर्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन कारण कंपनी का किसे मतलब नहीं मालूम क्या है। कंपनी हमारी 3 पिलर्स और नी पर क्या 3 से चीजें हैं जो इनके ऊपर मेन काम करती हैं। आप सबसे मैं एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लीडर्स ये बताएं कि एजुकेशन के बारे में जानते हैं कंपनी के, नंबर एक दबाइए। अगर जो कॉर्नरशिप के बारे में जानता है वो नंबर 2 दबाइए, जो बिजनेस के बारे में जानता है कंपनी के बारे में वो 3 दबाइए। अगर कोई लीडर तीनों को जानता है, एजुकेशन, कॉर्नरशिप, बिजनेस के बारे में जानता है, वो नंबर 4 दबाइए। देखा लीडर्स, आप में से कई लीडर्स कंपनी के कॉर्नरशिप के बारे में जानते हैं। कॉर्नरशिप कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारे लीडर्स हैं जो उस चीज को एक्सप्लेन करने में डरते हैं जो कंपनी का मेन मकसद है। कईयों को नॉलेज है कंपनी के 3 मोटो क्या है, एजुकेशन, कॉर्नरशिप, बिजनेस। अगर आप सब लीडर्स, आप सब
भाई इन चीजों को सीख लेंगे, एजुकेशन कॉर्नरशिप बिजनेस मतलब क्या है, तो आप लाइफ के अंदर ऑलरेडी एक बहुत बेस्ट बिजनेसमैन और बेस्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे आपको। आपसे एक बात करूं, कॉर्नरशिप का मतलब है पैसा। लोग पैसा देख रहे हैं आज दुनिया में, मोस्टली 50% लोग पैसे पीछे भाग रहे हैं। कंपनी की सोच रहे भी, कंपनी पैसा डलवा रही है, हम 1,000 में 1-10 मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कह रहा हूं आपको, अगर आप कंपनी की एजुकेशन ले लेंगे ना, अगर लक्ष्मी, अगर एजुकेशन सरस्वती, अगर सरस्वती ले लेंगे, लक्ष्मी आपके पास ऑटोमेटिक ही आएगी। अगर लक्ष्मी के पीछे भागते रहेंगे ना, वहां आपको सरस्वती नहीं मिलेगी। और इसके छोटा उदाहरण देता हूं, आप अपने जब वक्त लगे YouTube पे जाना, उसमें लिखना 5 बदनसीब लोग जिन्होंने मिलियंस और डॉलर की लॉटरी जीतने के बाद आज फिर वो काम कर रहे हैं। आप अपने कॉपी नोट लिख लीजिए कि YouTube पर सर्च करना कि जिन्होंने पैसा इतना कमाया, मिलियनेयर बन चुके थे एक झटके में, एक रात में पैसा कम, लॉटरी टिकट जीतने के बाद आज फिर वो गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। वो कैसे जी रहे हैं? लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के। यही चीज मैंने सीखी थी जब मैं कंपनी में एंटर हुआ था। मैं भी कॉर्नरशिप के बेस पे ही एंटर हुआ था, आपको रियलिटी बता रहा हूं मैं। लेकिन जैसे जैसे मैं स्टडी करता गया मुझे पता चला भी कंपनी में बहुत कुछ है, जैसे समुंदर है, ज्ञान का समुंदर है, जितना लेंगे भर के उतना ले जा सकते हैं। इसी चीज को मैंने सोचा भी कंपनी कॉर्नरशिप में देख ली, कंपनी क्या कर रही, कहाँ का डिफरेंट पोर्टफोलियो में अपना काम कर रही है, आई एम राइट, बिजनेस कर रही है, दिख रहा है मुझे। लेकिन कंपनी कौन सी ऐसी चीज है जिसके पीछे हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और जिसके अंदर हम आम इंसान उस चीज को डाउट ले रहा है कंपनी के ऊपर। फिर मैं स्टडी की एजुकेशन ली कंपनी की, कंपनी कोर्सेज किए, मास्टर पर भी ट्रेनिंग कोर्सेज किए। किन से किए? प्रोफेशनल लीडर से। उन्होंने बताया मतलब क्या इन्वेस्टिंग का। उन लीडर्स ने मुझे बताया कि लाइफ के अंदर पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पैसे को कहां कहां डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने लीडर्स आज जिनके पास पोर्टफोलियो है? मैं इस टाइम कंपनी बात नहीं कर रहा, कंपनी एक पोर्टफोलियो होगा जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी के अंदर नीव के अंदर अपना एजुकेशन पैकेज ले रखा है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और भी डिफरेंट सेक्शन में बता रहा हूँ आप सबके। इस टाइम टोटल कितने कितने लीडर्स के पास पोर्टफोलियो है डिफरेंट? जैसे मेरे इस टाइम कम से कम 5 डिफरेंट पोर्टफोलियो है, जैसे बैंक्स है, जैसे लैंड्स है, जैसे और भी चीजें हैं मेरे पास डिफरेंट, जहां पे मुझे पैसिव इनकम मंथली आ रही है। आपके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो और है स्वयं नीव के डिफरेंट सेक्टर्स जहां से आपको पैसिव इनकम आ रही है? अब अगर है तो प्लीज एक दबाइए। अब जिनके पास नहीं है वो 0 दबाइए। वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ कई लीडर्स के पास ऑलरेडी है डिफरेंट पोर्टफोलियो जहां पे उनको एक रेवेन्यू जनरेट होके आ रही है पैसिव इनकम रूप के अंदर, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रही है, क्योंकि उन्हें पता भी सारे अंडे एक बास्केट में रखने। लेकिन कई लीडर्स मैं देख रहा हूँ जिनको अब भी जिनका सोर्स ऑफ इनकम एक ही चीज है, वो है नीव, वो हमारी कंपनी। कुछ लोग सारी लाइफ ये सोचते हैं भी एक ही कंपनी से जुड़कर हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उस कंपनी की पूरी फुल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और ये चीज मैंने सीखी अपने मास्टर ऑफ ट्रेनिंग कोर्स के अंदर। कुछ लोग ये भी कहते थे, अभी कल के वाक्य हैं, कुछ लोग लीडर्स कहते हैं कि लीडर्स मास्टर भी करने का फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। लीडर्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जितने भी दुनिया में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, जो भी लोग यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, क्या वहाँ सफल होते हैं एजुकेशन लेने पर? उनमें चंद ही लोग होते हैं जो उस चीज में सफल हो सकते हैं, उस चीज की पूरी एजुकेशन ले सकते हैं। कुछ ही चंद लोग होते हैं जो डॉक्टर बने, कुछ ही चंद लोग होते हैं जो इंजीनियर बने, कुछ ही चंद लोग होते हैं जो साइंटिस्ट बनते हैं। एक ही यूनिवर्सिटी से,
एक ही कॉलेज से एक ही कोर्सेज करने के बाद क्यों उनमें से 500 लोगों में से ओनली 5 लोग ही सफल हो सकते हैं। उसी तरह मास्टर बॉय कोर्सेज दोस्तों, जिन्होंने इसके फायदे उठाए हैं वो आज सफल है। और कितने ऑलरेडी इसके अंदर यूजर्स हैं आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, जो ऑलरेडी इस मास्टर बॉय के बदले में उनके माइंड में क्या चीज मतलब चला भी कंपनी का मास्टर ऑफ कोर्स ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जिन्होंने इसकी सही प्रॉपर एजुकेशन ली है, उस इस एजुकेशन को उन्होंने अपने रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल किया है। सेम चीज ऐसी ही है, मैंने एप्लीकेबल किया अपने मास्टर ऑफ ट्रेनिंग का, मैंने कम से कम 4 बारी मास्टर ऑफ ट्रेनिंग की है मैंने। अच्छा लगता गया, करता गया, करता गया। उसके बाद है जीनियस फ्रेंड्स गेम। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, आई थिंक आपके नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगी। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है तो नंबर 1 दबाइए, क्योंकि मैं लेडीज बोल रहे हैं मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके थैंक यू। आई थिंक जिनके वॉइस ब्रेक है उनकी नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगी, यहाँ के सब लीडर बता रहे हैं वॉइस क्लियर है। और दूसरी चीज है, थैंक्स लीडर, थैंक्स लॉट सर। दूसरी चीज है जीनियस फ्रेंड्स गेम। जीनियस फ्रेंड्स गेम क्या चीज है? जीनियस फ्रेंड्स गेम एक ऐसी चीज है जो लाइफ में जितने भी आपने पास्ट में गलतियां कर चुके हैं बिजनेस के अंदर, वो जीनियस गेम आपको आपका पास्ट दिखाता है, प्लस आपका प्रेजेंट दिखाता है, प्लस आपका फ्यूचर दिखाता है। वो गेम ये है, मैं आपको बताऊं 2018 में जब मैं कंपनी की एजुकेशन कोर्स लेने मिन्स में गया, तब मुझे इस चीज का जीनियस फ्रेंड्स जो मैं गेम खेली, तब मेरे पर लेटर आया था, एक जो कार्ड मिला था मुझे, सब कार्ड्स बांटते हैं कंपनी, इस कार्ड के अंदर सारी सारी चीजें, इसमें डॉक्टर भी है, इसमें इंजीनियर भी है, इसमें मैकेनिकल भी है, इसमें एक कहते ना सेल्समैन भी है, इसमें एक नेटवर्क भी है, एक एंटरप्रेन्योरशिप सब मिला। उसके अंदर मुझे एक चीज मिली, उसमें मिला एक जो चीज मुझे मिली नेक्स्ट स्टेप लाइफ का आपका क्या हो सकता है, वो उसका मुझे मिला नेटवर्किंग का। मुझे पहले नेटवर्किंग एक कहते ना कुछ पता नहीं था, नेटवर्किंग किसे कहते हैं पता आज भी नहीं है, नेटवर्किंग किसे कहते हैं, फिर भी तरह कोशिश करता हूँ सीखने के लिए। कुछ जब तक पूरी एजुकेशन ऐसी चीज है जो सारी जिंदगी चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। उसी तरह मैं भी ये सोचता था लाइफ के अंदर, जो मुझे उसमें कार्ड मिला जिन्होंने फ्रेंड्स गेम खेला था, अंतोनीना मैम ने खिलाई मुझे मिन्स के अंदर, तो मुझे एक कार्ड मिला नेटवर्किंग का, जो कार्ड लिया यूज किया खेलते रहे खेलते रहे। उस टाइम था मेरे माइंड में केवल गेम थी, लेकिन जैसे मैं लास्ट ईयर जब अगस्त में हिंदुस्तान से वापस अपने वहां पर अभी फैक्ट्री में काम करने गया, तो काम जब वहां गया 16 साल बाद, जब बॉस ने ये कहा यू आर फायर्ड, भी मैंने तुझे काम से निकाल दिया, क्योंकि तूने मेरे बगैर पूछे अपने देश गया अपने माँ बाप से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे काम की जरूरत थी और तूने मुझे परमिशन लिए बगैर गया। तब जब उसने मुझे कहा ना यू आर फायर्ड, 215 साल काम किया मैंने फैक्ट्री का, दिन रात एक किया। जब मैंने फैक्ट्री की शुरुआत की थी तब फैक्ट्री थी एक स्मॉल, खुद का एक किराए की बिल्डिंग में काम करता था मालक हमारे साथ। उस टाइम हम कले 5 लोग थे जो काम करते थे, अब बढ़ते बढ़ते लास्ट साल कम से कम 30 वर्कर ज्वाइन हो गए। जब 30 वर्कर ज्वाइन हो गए तब कंपनी अब अच्छे SPA बन गए, अच्छे बिग नाम पे आ गई कंपनी हमारी। उसके बाद काम करते करते जब मालिक ने कहा यू आर फायर्ड, मुझे एक 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 मिनट के लिए मैं स्टिल हो गया। 15 साल जॉब करने के बाद, जहां मैं अपने लाइफ के खून पसीना, जहां लाइफ के अपने 15 साल लाइफ के मैंने उस जगह दिए, मैं आज उसके लिए मैं बिल्कुल अननोन हूं। उसके लिए मेरी कोई सेंटिमेंट नहीं है, उसके लिए मेरी वैल्यू नहीं है। लेकिन बाद में उस टाइम मैंने अपने माल को ये बात कही, उसके सामने रोने लग गया। वो कहता हैरी आई नो, कहता तेरी गलती है, अगर तू ना जाता तो मैं तुझे काम से ना निकालता। मैंने कहा बॉस मैं इसलिए मेरे मतलब आंसू आ रहे हैं कि आपने मुझे काम से निकाला, मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए मतलब आंसू जो है खुशी का आंसू है। कहते क्यों? क्योंकि मैं 1 महीना पहले मेंस के अंदर एक ट्रेनिंग लेके आया जिसने मेरा ये ओपन कर दिया माइंड।
आवाज क्लियर नहीं, कभी आपको लगता है आवाज ब्रेक हो रही है, आप सब लीडर्स को आवाज क्लियर आ रही है मेरी, प्लीज नंबर एक दबाइए, क्यों कुछ लीडर्स का अभी क्वेश्चन आ रहे हैं भी आवाज क्लियर नहीं है, तो नंबर एक दबाइए जिनको आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी जो मैं बोल रहा हूं। लीडर्स कईयों को है कईयों को नहीं, इसका मतलब सर ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसमें तो मैं कुछ कर सकता ही नहीं हूँ, तो कईयों को क्लियर नजर आ रही है, कईयों को आवाज साफ नजर आ रही है, साफ सुनने में आ रहा है, और किसी कईयों को भी जो ब्रेक हो रही है, सही नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आगे शुरू करते हैं, ओके। उसके बाद उसने एक बात कही मुझे, अरे अगर तू काम ना करता तो तुझे ना निकालता मैं, मैंने उसे ये बात कही, मैं ये मेरे खुशी के आंसू हैं, मैं कहा आपने जो किया अच्छा किया, क्योंकि आपने एक मुझे एक नया रास्ता दिया लाइफ के अंदर, क्या मैं कर सकता हूं। वो क्या दोबारा दूसरा काम ढूंढेगा, मैं नहीं, दूसरा काम मैं नहीं ढूंढूंगा, मैं दोस्तों एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पास लाल पासपोर्ट है यूरोप का, मैं दुनिया में जहां मर्जी जाके काम कर सकता हूँ आज भी, लेकिन माइंड में एक बात थी नहीं अब कुछ करना है हटके करना है, जॉब तो मैंने करनी नहीं है, कुछ करना अलग ही करना है, और करना भी ऐसा है जहां बॉस की कोई रुकावट ना हो, जहां जहां मैं खुद अपने टाइम का बॉस हूं, अपने टाइम नहीं जुड़ने मैं खुद हक पे हूं, जब भी काम करूं अपने मन मर्जी काम करूं। उसके बाद जब मालूम ये बात कही, ओके हैरी आई अंडरस्टैंड, मैं कहा हम हिंदुस्तानी हैं, पहले तो हम दो काम करते हैं, कहते कौन से दो काम करते हैं, पहले तो हम कोई भी कुछ करते ही नहीं है, जब करते हैं ना हम दुनिया को दिखा के करते हैं हम क्या चीज है, हमारे हिंदुस्तानी के अंदर ये खासियत है, मैं क्या खून के अंदर पहला कभी कुछ करेंगे, और जो करेंगे ना दुनिया में इतिहास बना देते हैं हमें हम। मैं वो दिन वेट कर जब आप मेरी फेसबुक में फोटो देखेंगे बिहारी क्या कर रहा है, करता देखता करता मैं वो दिन वेट करूंगा, मुझे इतना मालूम है कि आप दोबारा मेरे लिए काम करने मांगेंगे फैक्ट्री के अंदर आएंगे, मैं कहा वो दिन कभी जिंदगी में आएगा, क्योंकि मुझे मास्टर प्रॉफिट कोर्सेज है, क्योंकि मैं जीने से फ्रेंड्स गेम ने इतना माइंड पावरफुल कर दिया था कि मेरे माइंड में जॉब करने के लिए कभी सोचा ही नहीं था मैंने, ना सोचूंगा, कुछ करूंगा तो अपना ही करूंगा, कुछ बिजनेस करूंगा, कुछ इन्वेस्टिंग कुछ करूंगा, लेकिन हटके करूंगा, ये किसने एक चीज दो चीजों ने। और कुछ लीडर्स What mistakes are made by both beginners and experienced investors? कुछ लीडर्स कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर लिया और मैं पैसा कमा लूं, नहीं, लेकिन लाइफ के अंदर कुछ चीजें ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो बिगिनर और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर करते हैं, उस क्या क्या कारण है, लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, नॉट कीपिंग द 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो कंपनी 8 रूल्स हैं, जो एक इन्वेस्टर के 8 रूल्स हैं फोकस करने वाले में, उस पर वो काम नहीं करता और सही तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिंग थिंकिंग नहीं होती, उसके बाद उस इन्वेस्टर का कोई फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते, कोई ड्रीम्स नहीं होते, और सबसे बड़ी जो चीज होती है ना वो उसके एक्सपेक्टेशंस, वो ये सोचता है भी शॉर्ट टर्म में मैं अमीर बन जाऊं, मैं शॉर्ट टर्म में रिच बन जाऊं। दोस्तों लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है सफल होने का, हर चीज में आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा और आपको सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी और 100% उस चीज पर आपको काम करना पड़ेगा, कभी लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट से लोग अमीर बन जाते हैं तो दुनिया में आज कोई गरीबी नाम की चीज भी ना होती। और सबसे जो 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 चीज मैंने नोट की है कि लोग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए जहां भी किसी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं वो उसके लिए लोन यूज करते हैं, मतलब किस्तों में ले लिया लोन लेकर उस चीज को इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, यह सबसे बड़ी गलती करते हैं। कभी लाइफ के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर पैसा लगाने के लिए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने इनकम में से 10% जो मंथली आप सेव करते हैं उसको डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए। और कुछ लीडर्स कुछ लोग हमारे लोगों झूठ बोलकर जो किसी प्लान दिखाते हैं उसमें 1 का 10 बनाते हैं कुछ महीनों बाद,
और कुछ महीनों बाद बनाने के बाद उनको इस प्रॉब्लम फेस करने आती है। उसका कारण क्या है, कुछ लोग ये सोचते हैं अगर मैं 1 लाख का लोन लूंगा और मैं महीने के यहाँ से मुझे 3,000 मिलते रहेंगे और मेरा जो लोन का जो ब्याज का मैं इंस्टॉलमेंट है वो 2,000 रुपए है, फिर भी मैं 1,000 रुपए जेब में बच रहे हैं तो इसलिए वो लोन उठाता है। लेकिन दोस्तों ये चीज गलत है, हमारी कंपनी ये 100% इस चीज के लिए प्रोविडेंट है, वो अलाउड नहीं करती इस चीज के लिए। ये किसी लीडर को हमारी कंपनी में अलाउड नहीं है, किसी दूसरे लीडर को प्लान जो को भी कंपनी के बारे में बताने जाए और ये बताए भी कंपनी क्या मकसद क्या विजन मिशन है और उनको ये बताए बोले भी जाके इस चीज को लेने के लिए आप लोन ले लें किसी से बैंक में लोन ले लें, हमारी कंपनी में चीज अलाउड नहीं है। और आपको लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज जब भी किसी दूसरी जगह जाकर किसी को अपना किसी कंपनी का प्लान किसी भी कंपनी का प्लान बताते हैं तो प्लीज उस लीडर्स को या उस दोस्त को उसी बहन भाई को कभी ये मत कीजिए कि दोस्तों कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डिफरेंट जगह से लोन लेके पैसा लगाएं। कभी इन्वेस्टर के अंदर कभी बिजनेस के अंदर ये चीज अलाउड नहीं है और यही कारण है कुछ लोग हाई एक्सपेक्टेशन के कारण जब कंपनी है उसी चीज पर आपको मंथली पैसे इनकम नहीं मिलती तो आप मेंटली अपसेट होते हैं और ये सोचते हैं कंपनी धोखा कर रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता बिजनेस के अंदर हमेशा अतराव चढ़ाव चढ़ते रहते हैं और सबसे जो मेन बड़ी कारण है जो क्या है वो शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, कि जो हमारे लोग क्या करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लीडर पे थोप देते हैं। अब खुद देख लीजिए ना हमारे में कितने लोगों को लीडर्स को अभी तक कंपनी के बारे में कोई नॉलेज है, नीव की फुल नॉलेज है, जिसको एजुकेशन ओनरशिप एंड बिजनेस के बारे में फुल नॉलेज है, ये आप खुद पता लगा सकते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लैक ऑफ नॉलेज के कारण ही हम अपनी जिम्मेवारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अपलाइन को थोपते रहते हैं। आज जब भी कोई चीज नई आती है तो हम नर्वस हो जाते हैं क्योंकि कंपनी का विजन मिशन नहीं पता होता। इन चीजों को जब मैंने सीखा जब इस चीज को मैं अपने लाइफ के अंदर किया लाइफ के अंदर और पेशेंस इज द की, हमेशा पेशेंस विल बी रिवार्डेड। पेशेंस हमेशा आपको जितने पेशेंस आप जितने होल्ड कहते हैं ना होल्ड एंड टाइड, जितना आप जितना होल्ड करेंगे इन्वेस्टिंग के अंदर उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म। आज मैंने पेशेंस गाए, आज मैंने जो कमी सीखी उसके बदले मुझे क्या मिला आपके सामने, मेरे पेशेंस का मेरे काम प्रति लगन के कारण कंपनी ने आप रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट कौंसिल के लिए चुना गया। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ मास्टर ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का कम इंडिया के बेस पे मैं काम कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है मुझे। लेकिन इस जो मुझे आप जो देख रहे हैं जितनी भी क्वालिटीज मिली जितनी भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मुझे कंपनी दी है ये मुझे मिली है इस कंपनी का अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ऑफ अंधरा प्रोफेसर के, ना कि किसी स्कूल से ना कि किसी यूनिवर्सिटी ना कि किसी इंस्टीट्यूट से, ये सबकी सब क्वालिटीज सबकी सब नॉलेज सबकी सब जितने भी आज पैसा मेरे लिए काम कर रहा है मंथली में डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जहां से मुझे डेली के इनकम्स आ रही है, मंथली में जो एक्सपेंसेस है मेरे मंथली एक्सपेंसेस वो कवर हो रहे हैं मेरे, वो कहां सीखा सब इन्हीं कंपनी सीखा क्योंकि कंपनी के मेरे लिए एजुकेशन कोनरशिप तो हूं मैं वो तो पता मैं फ्यूचर में आप क्या मिल रहा है वो आपको पता है कोनरशिप में, और एजुकेशन क्या मिल रहा है वो आपके सामने। आज आपके सरस्वती होगी कल आपके पास 100% लक्ष्मी आएगी। नेवर प्रिजन ऑफ योर पास्ट इट इज वॉज जस्ट अ लेसन नॉट अ लाइफ स्टेंस लाइफ गोज ऑन। कभी कभी पास्ट के अंदर कुछ गलतियां कुछ मिस्टेक्स हमने की होती है, हर इंसान ने की होती है क्योंकि इंसान गलतियों में पुतला है, क्योंकि हर इंसान ने के लाइफ में कुछ गलतियां मैंने भी गलतियां की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लाइफ का एक चैप्टर खत्म हो जाए, पास्ट चैप्टर जो बैड चैप्टर आपका था वो खत्म हो चुका है इसका मतलब लाइफ सारी जिंदगी लाइफ खत्म हो जाए, नहीं दोस्तों लाइफ विल बी गो ऑन। लाइफ के अंदर आपको डेली नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेली नई लाइफ शुरुआत होती है। लेकिन उस मिस्टेक्स को आप रिपीट मत कीजिए, अगर मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे वहां आप गलती करेंगे। अगर मिस्टेक को रिपीट करने के बजाय अगर कोई एक्स्ट्रा रिफ्रेश मिस्टेक करते हैं इस ओके तो आप उसको सीख रहे हैं, उसको मिस्टेक नहीं कहेंगे उसे कहते हैं सीखना। लेकिन मिस्टेक को मिस्टेक गलती को गलती 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 दोहराते रहेंगे आप कभी लाइफ में सफल नहीं होंगे। अपनी गलतियों को सीखो और द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कैश कैन एंड टाइम क्रैश,
और लोग कई सोचते ना कंपनी में पैसा लगा के मैं अमीर बन दूंगा, और ये सोचते भी कंपनी एक के बदले दो दे रही, एक के बदले 15 दे रही है, वो हमेशा आपको क्रैश करेगी। लेकिन जो आपका सही इन्वेस्टमेंट है, जो आपके यहाँ पर, जो आपके ब्रेन के अंदर, जो आपको 100% गेन मिलेगा, एक तो जरूर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे कैसे हमने काम डिफरेंट डिफरेंट जगह करना, क्या करना चाहिए, और एक कंपनी पैसा लगाने में क्या क्या चीज नोट करनी चाहिए, ये सब के सब सीखे मैंने एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन जो ली मैंने अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की, जो अंदरा कासर से दिया, जिसने फाइनेंस गेम, इसकी ये वैल्यू मुझे आज मिली है। कुछ आपको तथ्य दिखाना चाहता हूँ जो कंपनी ने अभी दिसंबर के लास्ट वीक में ही कुछ किए हैं आप सबके लिए, कि कुछ सोच रहे थे। सुशी मास्टर, ग्रिल मास्टर जो स्पेन में खुल चुका है ऑलरेडी, आप अलीकांत स्पेन के अंदर जाके देख सकते हैं, ये हमारा कंपनी का नीव का सुशी मास्टर है। उसके बाद ये है बेलारूस के अंदर, मिंस के अंदर, ये जो अभी एक दो दिन पहले ही खुला है सुशी मास्टर इन बेलारूस, ये भी हम इसके भी क्या है, हम इसके भी कोनर्स हैं। अब ये सोचिए, अगर हम हर कोई, जितने भी लोग बेलारूस के, जितने भी जो भी लीडर, जो भी टूरिस्ट वहां पर जाएगा सुशी मास्टर के अंदर, पैसे खर्च करे, कुछ खाएगा, उसमें हमें क्या मिलेंगे, डिविडेंड्स। और ये आपको ये नहीं है पर मंथ, पर कुछ लिमिटेड टाइम पे, नहीं, फॉर एवर मिलते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये चीजें होती है ना जो पैसिव इनकम कहते हैं ना, शुरुआत में आपको थोड़ा कम लगता है लेकिन फ्यूचर में इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। शुरुआत में जब जिन जिन लोगों ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, शुरुआत में वो कंपनियां कम पैसिव इनकम देती रही थी, कम उनके डिविडेंड मिलते रहते हैं, लेकिन फ्यूचर में आज दे सकते हैं उन कंपनियों में जो मैंने पैसा लगाया, उनके आज उनका क्या क्या मिला है, डिविडेंड से क्या क्या फायदा हो रहे हैं। सुशी मास्टर नेक्स्ट कंपनी जो फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये आप देखते हैं थाईलैंड के अंदर, फुके के अंदर जो कंपनी 5 स्टार होटल बन रही है, उसके साथ साथ कंपनी वहां पर मोबली यानी रियल स्टेट में भी भागीदार कर रही है, उसके अंदर वहां घर बन रहे हैं 5BK, 4BK, BHK, 2BHK बन रहे हैं, तो वहां भी जो भी उस चीज को लेगा उसके भी कॉर्नर्स है, यानी इसका भी हमें प्रॉफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। ये सब के सब किसमें आ रहे हैं, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड नीव के अंतर्गत आते हैं, ये किसमें आते हैं, सीआईयू क्लब के अंदर आते हैं। और कुछ तथ्य आपके से पेश करना चाहता हूँ, जब सीआरयू क्लब क्रिप्टो क्लब जो फर्स्ट फेज था शुरुआत हुई थी 30 मार्च 2019 को, आप ये देख सकते हैं तीन दिन बाद कंपनी ने दूसरी स्टेज ओपन कर दी थी 3 अप्रैल को, चार दिन बाद देखा आपने, 3 अप्रैल को कंपनी दूसरी स्टेज ले आई थी, दूसरी स्टेज के अंदर एंटर हो चुकी थी, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी जितनी भी स्टेज से आप देखते रहे हैं, ये सब काम कितने महीने हुआ देखते जाइए, अप्रैल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीनों में कंपनी ने क्या क्या करके दिखा दिया आपको, आपको रिजल्ट दे दिया कंपनी ने अपने फर्स्ट फेज का भी क्लब के साथ ज्वाइन करने से आपको क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, ये कंपनी आपको तथ्य दे दिया, आपको एक प्रूफ करके दे दिया। और अब कंपनी हमारा सेकंड स्टेज यानी सीआरयू का जो सेकंड स्टेज है वो हमारा 8 जनवरी को होगा, ना कि 1 जनवरी को। आप में से कई लीडर्स अब इसमें भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे, इसमें भी नेगेटिव लोग होंगे कि कंपनी ने पहले तो कहा था 1 जनवरी को, अब ये कह रही है 8 जनवरी को, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है 8 जनवरी को क्योंकि नया साल, रशिया का जो नया न्यू ईयर आता है वो होता है 7 जनवरी को, यानी 8 जनवरी को कंपनी का नया साल होने वाला है रशियन थ्योरी के हिसाब से, और प्लस 8 है इन्फिनिटी, 8 है लकी नंबर, उसी वजह कंपनी शुरुआत कर रही है 8 जनवरी कर रही है, जो हम सेकंड फेज के अंदर एंटर होने वाले हैं। उस सेकंड फेज के अंदर क्या होने वाला है आप देख सकते हैं, प्लान क्रून प्राइस डेवलपमेंट 2020 8 जनवरी को 31 जनवरी तक, स्टेज फर्स्ट में
जो प्राइस मिलने वाले आपको 0.15 सेंट से एक CRU का प्राइस जाने वाला है। सेकंड फेज में, थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, फिफ्थ स्टेज में सब देखते जाइए। और आपको सबसे बड़ी चीज जाने वाला हूँ, ये लास्ट के स्टेज के अंदर कंपनी कितना एक CRU का कितना प्राइस जाने वाला है, आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं। आप सबके डेटा जितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको साइट खत्म कर दें, उसके आपको हर चीज क्वेश्चन जवाब दूंगा सर। तो प्लीज फोकस दीजिए चीजों के लिए, कोई इसी जल्दबाजी कारण है, इन लीडर्स आपके इन जल्दबाजी का भी कंपनी क्या पैसा दे कितना कमाए इन कारण ही आपको कंपनी का सही विजन मिशन ही मालूम। आप अब भी कुछ लीडर्स कंपनी के ओनरशिप पर अटके हुए हैं, कंपनी की एजुकेशन में और कंपनी बिजनेस में कोई सोच नहीं रहा। तो प्लीज लीडर्स ओपन योर माइंड, कंपनी ऐसी कंपनी कहीं आपको दुनिया मिलेगी नहीं जो आपको तीन तीन चीजें इकट्ठी दे रही है, एजुकेशन, ओनरशिप, बिजनेस, आपको सिखा भी रही है कि फ्यूचर जब आपके पास पैसे आएंगे उन पैसों को कहां कहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहां कहां कैसे यूज कर सकते हैं। आप सब लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप सब दूसरे डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया होगा, और भी लीडर्स ने MLM की होगी, किसी दूसरी MLM के अंदर आपको एजुकेशन दी जाती है? आप एक दबाइए अगर दूसरी MLM के अंदर आपको ये बताया जाता है भी आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, वहां कल आपको दिखाई दिया जाता है कौन से, वहां दे दिया था कला पैसा, कभी किसी ने आपको एजुकेशन दी है? किसी ने कभी किसी ने आप उस जगह का उस चीज का कॉर्नरशिप बनाया है, उस चीज का आपको सह मेल के बनाया आपने? कभी किसी चीज ने ये कहा है भी आप इतना बिजनेस आप मेरे से बिजनेस करिए, आप अपना राय दीजिए, आप सर्वे कीजिए? सर्वे की बात से मुझे चीज याद आई, कुछ लीडर्स तो अभी कहते हैं कंपनी सर्वे क्यों कर रही है। लीडर्स कंपनी सर्वे इसलिए कर रही है, कंपनी राय चाहिए आम पब्लिक की, आम पब्लिक क्या चाहती है। इसलिए सर्वे होता है। उस जो गलतियां कुछ कई बार क्या होता है एक एक को भी चीज का एक शुरुआत होती है, उसमें कुछ प्रोडक्शंस होती हैं, प्रोडक्शंस के साथ साथ अगर वो चीज पूरी क्लियर नहीं होती इसका मतलब ये नहीं है कंपनी गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी फ्रॉड है, इसका मतलब ये नहीं, नहीं। आपको उस कंपनी का पूरा विजन मिशन उसका बिजनेस समझना पड़ेगा। आपको मैं कह रहा हूं पूरी स्लाइड्स नोट कर लीजिए, पूछ देखिए, आपको लास्ट में आपको हर चीज क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन प्लीज इस चीज का फोकस कीजिए। दोस्तों मैंने आज जो वेबिनार किया आपको इस चीज का मकसद बताने का भी कंपनी आप पैसा मत देखिए, कंपनी में ये देगी एक कंपनी पैसा कब देगी, डिविडेंड कब देगी, ये वो जो चीजें आपको मिलेंगी आपका हक बनता है वो तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन कंपनी का मकसद क्या है? 200 सरस्वती ले लीजिए, सरस्वती के बहुत फायदा होने वाला आपको फ्यूचर में। अब कुछ अपकमिंग प्रमोशन एंड इवेंट्स बता जाता हूं आपको मैं। कुछ जैसे कंपनी अब रीब्रांड्स किया आपको मालूम है, TNG से लेके हम अब एंटर हो चुके हैं IP पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो जो लीडर्स TNG के अंदर अकाउंट बना, जिन्होंने पहले अकाउंट बने थे हमारे स्विक के अंदर, उस अकाउंट में आप CRU क्लब के अंदर एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो 10 जूनियर्स का एक छोटा पैकेज लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा ऑटोमेटिकली आपका CRU क्लब का मेंबरशिप, जो CRU क्लब मेंबरशिप है वो ओपन हो जाएगा। इस चीज का आपको लीडर्स अब ध्यान रखना, TNG से आप भी CRU क्लब के अंदर जा सकते हैं, डिफरेंट अकाउंट मत खोलिए, क्योंकि सुनने में आया है कुछ लोग ऑलरेडी स्विक के अंदर ज्वाइन है, उसके बाद उन्होंने जो CRU क्लब के अंदर मेंबरशिप लेना चाहते हैं उन्होंने डिफरेंट अकाउंट खोल लिया, वो गलती कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक ही आदमी से एक ही आइडेंटिटी से एक ही अकाउंट अलाउड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ही इंसान एक ही आदमी एक ही अकाउंट खोल सकता है, ना कि दो दो अकाउंट खोल सकता है। जिस इंसान के ऑलरेडी स्विक के अंदर अकाउंट्स हैं, जो ऑलरेडी कंपनी एजुकेशन पैकेज के बदले जिनको स्काईवे के प्री अप्रूव्ड शेयर्स मिले गिफ्ट्स के अंदर, वो उनके बदले में प्लस CRU क्लब का मेंबर बन सकते हैं, प्लस और इसने क्या करना है 10 यूनिट्स का उन्होंने TNG में पैकेट लेना है, वो एटम उसका CRU क्लब का नया एक विंडो खुल जाएगा, वो क्लब का मेंबर बन जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें लीडर्स। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इस टर्म कंपनी जितने लीडर्स ज्वाइन करें 200 यूनिट्स एज ए गिफ्ट्स में दे रही हैं उन लीडर्स को ज्वाइन करने के लिए जो ओनली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसमें कंपलसरी नहीं है वेरीफाई करना। अगर आप 200 यूनिट्स को
आपको जो सीआर जो मिल रहे हैं उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होनी है वो आपको नेक्स्ट लेवल बताता हूं मैं। उसके बाद है, अगर आप में से कोई भी लीडर दो पार्टनर्स यानी एक ढाई से ढाई यूनिट के दो पार्ट लगाता है तो कंपनी आपको 2000 CRU जो पॉइंट्स है वो गिफ्ट मिल रहे हैं। और 2000 CRU क्या क्या वैल्यू है तो आप चेक कर सकते हैं आपके अकाउंट के अंदर इसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद आती है हमारी नंबर दो प्रमोशंस। अगर चार पार्टनर फर्स्ट लाइन में लगाते हैं और जो रजिस्टर करते हैं चार एजेंट को बनाते हैं फर्स्ट एजेंट सेकेंड एजेंट थर्ड एजेंट उसको कंपनी 5000 CRU आज गिफ्ट में देती है। और इसकी CRU की वैल्यू क्या है आप अपने स्टैंडर्ड ईपी में चेक कर सकते हैं कि वैल्यू क्या है तो आपको आइडिया हो जाएगा भी 5000 CRU की फ्यूचर में वैल्यू क्या होने वाली है। और कुछ कंपनी के रजिस्टर्ड यूजर्स आपको दिखाना चाहता हूँ जो ऑलरेडी कंपनी ज्वाइन करके लोग लीडर्स ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक हमारे स्टेज के अंदर। ये चार्ट्स हैं हमारे कंपनी के अंदर ऑलरेडी नंबर रजिस्टर्ड यूजर्स 905,000 यूजर्स हैं जिसमें जिसके अंदर से हमें 632,334 पीपल ज्वाइन हो चुके हैं। ये हमारी लिस्ट है कंपनी की आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। आप ये भी देख सकते हैं हमारे पार्टनर्स एजेंट्स कितने हैं ये पार्टनर्स हैं हमारे ये एजेंट्स हैं कंसल्टेंट मैनेजर लीडर मैनेजर कितने आप ये चीज चेक कर सकते हैं। और कितना हमें अभी तक मास्टर प्रॉफिट बोनस वॉल्यूम इंजोर्ड कितना हमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। और ये हमारे क्या है लॉयल्टी प्रॉफिट बोनस और ये हमें प्रॉफिट बोनस ये लॉयल्टी प्रॉफिट बोनस और प्रॉफिट बोनस आप देख रहे हैं कितनी ऑलरेडी हम बांट चुके हैं इन स्टेजेस के अंदर एक फर्स्ट स्टेज से लेके 8 स्टेजेस तक। और ये हमारे कंपनी का ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं ऑलरेडी कंपनी कहाँ कहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो यूनिट्स इन्वेस्ट किए हैं। ITT इसका मतलब है स्काईवे का आप जो सोचते हैं स्काईवे अलग नहीं कल रीब्रांड्स हुए हैं कंपनी नाम देने के लिए। SW रियल एस्टेट में हमें 6 मिलियन यूनिट्स गोल्ड में 74.32 मिलियन यूनिट्स सुशी मास्टर कल्चर स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल एंड बसाल शिकार डायमंड प्रोडक्शन इन सब में हमने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा जिसका कारण क्या हुआ 9 महीनों में आप देख सकते हैं राइट साइड सीआर एसेट ग्रोथ ओवर 9 मंथ 9 महीनों में हमारी ग्रोथ क्या है पर मंथ 22% पर ग्रोथ हमारे जो कैपिटल के अंदर इंक्रीज हो रही है। इससे हम आप आइडिया लगा सकते हैं जिसका अगर हम लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करके हम ओवरऑल पूरा चेंज करें तो हमें पता चलेगा 3.03% पर मंथ से हमारा जो कंपनी का जो ग्रोथ हो रही है 3.3 जो कंपनी जो कैपिटलाइजेशन है जो कंपनी का पोर्टफोलियो वो इंक्रीज हो रहा है 3.3% के मंथली। और ये कुछ प्रॉफिट बोनस अक्योर्ड जो ऑलरेडी कंपनी ने अभी दिसंबर में जो मतलब दिसंबर में दिए गए हैं लीडर्स को जो कंपनी ने एक इंस्ट्रूमेंट्स के बदले यानी मतलब कहते ना वो पैसिव इनकम बदले जो कंपनी प्रॉफिट हुआ 35% हुआ था $42,809 में से जिन्होंने कंपनी ग्लोबली जो जिनके ऑलरेडी यूजर्स हैं उनको 0.000016 अमाउंट के हिसाब से पर क्रू के हिसाब से उनको प्रॉफिट बोनस मिला पीबी मिला और प्लस लॉयल्टी बोनस जो मिला उनको 0.015 के हिसाब से लॉयल्टी बोनस मतलब आपको दो चीजें कंपनी दे रही है इस टाइम लॉयल्टी बोनस एंड प्रॉफिट बोनस। और कुछ मास्टर प्रॉफिट आप में कुछ लीडर ये सोचते हैं मास्टर प्रॉफिट का वैल्यू नहीं है फायदा नहीं है आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि दुनिया में पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनी कहाँ कहाँ मास्टर प्रॉफिट कर सकती है कर रही है जिसमें से हिंदुस्तान के अंदर भी कर रही है 22 फरवरी को उसके बाद फिर हमारा मणिपुर के अंदर 27 और 29 फरवरी को फिर हमारा है त्रिशी तमिलनाडु में आ रहा है हमारा त्रिशी तमिलनाडु में साउथ के अंदर 5 से 7 मार्च को आ रहा है। ये सब मास्टर प्रॉफिट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर डिमांड से चीजों के लिए और मास्टर पर भी किनको फायदा है कितना फायदा होता है कितना चीज होते हैं ये उन्हीं लीडर्स को मालूम है जिन्होंने इस मास्टर पर एजुकेशन को जब ली थी उसको एप्लीकेबल किया अपने रियल लाइफ के अंदर। अगर उन्होंने इसको रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल नहीं किया तो उनको इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। और कुछ इवेंट्स हमारे नेक्स्ट ईयर जो अभी इस साल आने वाले हैं जिसमें से जो अभी लेटेस्ट इवेंट जो होने वाला है 28 और 29 मार्च को 2020 में हमारा हो रहा है एशिया पैसिफिक रीजन इवेंट होने वाला है हेल्ड इन वियतनाम में
अगर उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी कंसल्टेंट रैंक की होगी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस 3 दिन की लीडरशिप ट्रेनिंग होगी जो माय टॉप, लेकिन शर्त ये होगी टॉप मैनेजर। अब ये रैंक्स क्या है ये आपको लीडर्स बता सकते हैं और कंपनी की जो नेटवर्क प्लान वो आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा टॉप मैनेजर का मतलब क्या है। टॉप मैनेजर के जब तक आप टॉप मैनेजर नहीं होंगे तो कंपनी आपको 28-29 के बाद जो 3 दिन एक्स्ट्रा है हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, जो आपको स्पेशल अंतराय सर की तरफ से मिलेगी, जैसे गोवा में मिली थी आपको फिर दोबारा से मिलेगी वियतनाम के अंदर, लेकिन उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने टॉप मैनेजर का रैंक हासिल किया होगा, जिनका स्टेटस स्टेटस जो कंपनी को होगा टॉप मैनेजर होना चाहिए, उससे नीचे वालों को अलाउड नहीं है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा इवेंट यानी उसके बाद हमारा 6th ईयर बर्थडे होगा हमारा मॉस्को के अंदर 19-20 अक्टूबर को, जो इवेंट है हमारा मॉस्को 2020 में, लेकिन इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है कम से कम कंसल्टेंट रैंक के लिए चाहिए और उसके अबव होने चाहिए, क्योंकि कंपनी तभी आपको अलाउ करेगी उन इवेंट्स को ज्वाइन करने के। इवेंट्स में क्या फायदा है, वो फायदा है उन्हीं को पता होगा जिन्होंने इवेंट्स ज्वाइन किए हैं, कुछ सीखा है उन्होंने, जैसे 2018 में मैंने इवेंट ज्वाइन किया है उसके बाद मुझे कुछ सीखा और आज मेरी लाइफ में कितनी तब्दीली कितना बदलाव आए हैं सब इवेंट्स के बदले ही आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो 28 दिसंबर को अंदराय क्रॉस ने बताए थे, जैसे आपके एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरली विल बी रजिस्टर्ड आवर टोकन ब्लॉकचेन 80 बिलियन। उसके बाद हमारे जो टोकन्स हैं जो इन्वेस्ट मतलब जिन्होंने मार्च, ये बात कर रहा हूँ सीआरजो क्लब की बात कर रहा हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखें लीडर, ये सीआरजो की बात हो रही है इस क्लब के अंदर, जिन्होंने मार्च और अप्रैल के अंदर जिन्होंने सीआर थे वो अपना 1.5% से लेके 1.5% लेके वो अपना सोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी, जब कंपनी मार्च अप्रैल के अंदर जो नेक्स्ट इस साल जो काम हमारा एक्सचेंज के अंदर आ रही है तो उसको हम ये सेल कर सकते हैं, लेकिन वही कर सकते हैं जो फर्स्ट इन्वेस्टर्स हैं। एक छोटी क्लोज मार्केट होगी जिसे कहते हैं इंटरनल मार्केट, जिसमें आप सेल और टोकन कर सकते हैं, उसके बाद ओपन मार्केट में जाएंगे। उसके बाद आएगा हमारा वर्ल्ड सीआरजू, एक नया चीज लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड सीआरजू जो बैकअप के लिए फ्यूचर में, और इस चीजों आप इन चीजों को समझने के लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी, एक स्पेशल आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे ताकि आपको चीज में नॉलेज हो सके। जिन लीडर्स को ऑलरेडी इन चीजें नॉलेज है तो अपना नॉलेज को प्लीज अपने डाउनलाइंस में और अपने अपलाइन में अपनी नॉलेज को बांटिए ताकि उनको इन चीज की नॉलेज हो सके। और हमें कुछ लीडर्स ये कहते हैं ना अक्टूबर के अंदर कंपनी एसटीओ लॉन्च कहा था और एसटीओ लॉन्च नहीं किया, उसका कारण क्या है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी उस टाइम 50% रेडी नहीं थी, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कंपनी ने अपना विजन मुझे छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी फ्रॉड है, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी झूठ बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं है भी कंपनी जो कहा नहीं कर रही, लेकिन उसी चीज को जो कंपनी ने अक्टूबर में कहा था ना कहा होने के कारण कंपनी ने आपको 30,000 सीआरजी एज ए गिफ्ट में दिए हैं, जिनको मिल चुके हैं उनको 30,000 सीआरजी की वैल्यू पता है, और जिनको नहीं मिले ऑलरेडी लिस्ट लीडर से मांगी है जिन्होंने ऑलरेडी लिस्ट दे चुके हैं, ऑलरेडी लिस्ट मैंने फॉरवर्ड कर चुका हूँ, जिन जिन के 30,000 सीओ रह चुके हैं कंपनी उनको इन दिनों में वो 30,000 सीओ जो भी आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है आपको फ्यूचर में वैल्यू पर चल जाएगी। उसके बाद हु वांट्स टू सेल टोकन लेटर देयर विल बी बटन सो दैट यू कैन एंटर, उसके बाद एक जो नया वैलेट बनने वाला है उसके वैलेट के अंदर आप सेल और बाय कर सकते हैं, और उसके बाद है टीम फॉर ब्लॉकचेन फेस स्टार्ट डेवलपिंग वेट पर। उसके बाद अब जनवरी के अंदर हमारा फोकस जो फोकस हमारा होगा इस टाइम फोकस पूरा इसी चीज पे होगा, जो चीज पे ब्लॉकचेन के फोकस होगा और वाइट पे फोकस होगा कैसे हमें इस चीज को रियलिटी करनी है, और हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन होंगे 6,000 ट्रांजेक्शन एंड सेकंड्स 6,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड के हिसाब से कर सकते हैं, जो खुद की ब्लॉकचेन हम बनाने वाले हैं, और मास्टर का वीजा कार्ड नाउ बे 30,000 ट्रांजेक्शन, जो मास्टर का जो वीजा कार्ड ट्रांजेक्शन है वो 3,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड की है, जो हम ब्लॉकचेन क्रिएट कर रहे हैं उसकी है 6,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड की होगी। अब ये सोच रहे हैं हम किस दुनिया दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं और कौन से नेक्स्ट लेवल पे हम एंटर होने वाले हैं। उसके बाद आपको जो 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 कंपनी का मेंबर्स है, जो जो कंपनी है वो आने समय में जो कंपनी नोट्स तैयार कर रही है, कंपनी नोट्स कर रही है, उससे बदले में आपका हर मोबाइल से भी आप माइनिंग कर सकते हैं अपने, और उसका क्या होगा आपको 5-10% पर मंथ उसका भी फायदा होगा, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है कंप्यूटर नोट्स के बदले आप अपने माइंस अपने कंपनी जो चीजें हैं वो भी माइंस कर सकते हैं आप कंपनी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने मोबाइल्स के थ्रू, उसका भी आपको फ्यूचर रिटर्न्स मिलेगा 5-10% पर मंथ मिलेगा। और नोट्स विल बी क्रिएटेड 100 मिलियन फूड फॉर 3 मंथ्स एंड उसके बाद ब्लॉकचेन में आएंगे,
जो फ्यूचर में आप तो देख रहे हैं अभी तक ऑलरेडी हमारी 60 कंपनी हमारे एंटर हो चुकी है और फ्यूचर में हमारे से बड़ी बड़ी कंपनी हमारे से एंटर होगी। हम कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं, आपको हर चीज आपसे शेयर की जाएगी, लेकिन उन लीडर से शेयर की जाएगी जिन लीडर्स को पूरी कंपनी का विजन मिशन के लिए होगा, ना कि आधी आधी अधूरी नॉलेज बंदे को लेट होती है और अधूरी नॉलेज ही दूसरी अपने डाउनलोड में प्रॉब्लम करते हैं जिसका फेसिंग प्रॉब्लम्स को कंपनी करना पड़ता है। और हमारा जो हमारा प्लान है फ्यूचर के अंदर वो ये कवर होल द वर्ल्ड इंटरनेटली, जो हमारा मकसद है हमारा विजन मिशन है पूरी दुनिया में हम अपना कंपनी के जो तीन मोटोज है एजुकेशन कॉनोशी एंड बिजनेस पूरी वर्ल्ड में हम लेके जाना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ इंटरेस्ट लैक ऑफ विजन लैक ऑफ लीडरशिप के कारण बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। ये इस चीज को लिए आपको आपको सब लीडर्स को अपने आप पर खुद के जो सपने हैं सपने आपको आपके अपने खुद साकार करने के लिए आपको खुद की नॉलेज लें। साथ में जो मेन जो लास्ट पॉइंट है वो है टाइम, लैक ऑफ नॉलेज ट्रस्ट इंटरेस्ट विजन लीडरशिप तो मैं मान गया, लेकिन साथ में टाइम। कुछ लोग ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है क्यों, मैं तो 9 से 5 काम पे जाता हूँ, उसके बाद घर में आता है, उसके बाद बच्चे देखने पड़ते, फैमिली देखनी पड़ती है। अगर ये सब एक्सक्यूजेज है, अगर 3 साल पहले 2016 जब मैंने इस कंपनी ज्वाइन किया था अगर ये चीज मैं सोचता तो आई थिंक आज मैं भी काम पर ही होता, आज भी मैं जॉब पे होता। डिपेंड हर इंसान पे वो चाहता क्या लाइफ के अंदर और जो कंपनी का मकसद क्या है। वी आर रेस टू एंड पॉवर्टी एंड गिव फाइनेंशियल एजुकेशन, हमारा कंपनी का मोटो क्या है कि लोगों के जो दुनिया में गरीबी है उसको हटाना चाहते हैं और लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब क्या है ये नहीं है, अभी हमें मालूम है दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन जो अंदराय खुरातव सर का सपना क्या है 15% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनको कम से कम फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए ताकि उनको पता चले लाइफ के अंदर सपनों को हकीकत में कैसे बदला जा सके। आप हमारे साथ इस रेस में शामिल हैं, अगर आप हमारे साथ इस रेस में शामिल हैं प्लीज नंबर 1 दबाइए, जो जो लीडर इसके साथ हमारी रेस के अंदर शामिल है हमारी हेल्प करने के लिए दुनिया में। वाह 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 वाह, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट कि आप इतने बड़े मिशन और इतने बड़े कंपनी जो विजन मिशन है उसके साथ है आप। अब मैं आपको कुछ सोशल प्रूफ दिखा जाता हूँ, सोशल प्रूफ इंडियन इंटरनेशनल लीडर्स, मतलब मैं अब आपको उन लीडर्स का बारे में दिखाना चाहता हूँ जो लीडर्स हैं जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में अपना नाम तो कमाया ही है साथ में अपने वर्ल्ड के ऊपर भी अपनी एक अलग सी पहचान बनाई है कुछ महीनों में, लेकिन उन महीनों में उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है वो उनकी जुबानी आप खुद पूछ सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो इंडियन लीडर्स हैं जो इंटरनेशनल बेस के ऊपर जिसका नाम मशहूर है, आपको दिखाता हूँ मैं। आपको मैं उन लीडर्स की वो दिखा जाता हूँ जो ऑलरेडी मशहूर, आपको वेट शेयर, यस नंबर 1 बताइए आपको स्क्रीन नजर आ रही है, नंबर 1 दबाइए आपको स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है शेयर्स लीडर्स की, गुड थैंक यू। ये हमारे कुछ इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी इनका नाम है तो इंटरनेशनल बेस पे भी इनका नाम चल रहा है, जैसे दौलामणी सर हैं जिनका रैंक प्रेजेंट रैंक है और इससे बिलोंग करते हैं, दीपक सर जी प्रेजिडेंट रैंक से हैं ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, पूर्णमासी देवी मैम हैं जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, स्नेहा मैम जी जो मणिपुर से हैं, रोमनी सर जो मणिपुर से हैं, बैनी मैम जो मणिपुर से हैं, सुमलतपम नब कुमार जो मणिपुर से हैं, थंग बॉय जो मणिपुर से हैं, ओनम पेमला मैम जो मणिपुर से हैं, अल्ताफ पठान जो वाइस प्रेसिडेंट से महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं,
देवदास मोंडे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके कंपनी के, आनंद कुमार कीरो जो अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं, अतुल कुमार गुप्ता आप अच्छे जानते हैं टॉम रेजर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सुभाष गोस्वामी जो टॉम रेजर रैंक से हैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, विजय रावल सर जो टॉम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अब्दुल हमीद टॉम रेजर जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, रितीश राज सर जी जो बिलोंग करते हैं झारखंड से, साउथ से बिलोंग करते हैं गांधी पिंडरंजन, सुरेंद्र जी बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से, जब्बर सिंह जी बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, रमेश कुमार जी बिलोंग करते हैं हरियाणा से, राजेश जी बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, अमित जी बिलोंग करते हैं दिल्ली से, राहुल गांधी बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, प्रवीण कुमार जी हमारे ऑफिस मैनेजर जी बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, जो हमारे हैं पंजाब के जो लीडर हैं इंद्रजीत सिंह जी बिलोंग करते हैं पंजाब से। ये लीडर्स हैं जिन्होंने अपना नाम हिंदुस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल बेस के ऊपर अपना लोहा जमा चुका है और दुनिया आज इनको इनके नाम से जानती है भी ये लोग कुछ है। अब आपको बैक टू द स्क्रीन आते हैं। ओके, ये आप अच्छा देख लिया आपने जो इंटरनेशनल जो इंडियन लीडर्स हैं जो इंटरनेशनल लीडर्स के अपने नाम पर अपना लोहा जमा चुके हैं। अब आ रही है बारी दोस्तों ड्रीम्स एंड एक्ट की। ड्रीम एक्ट वही बात आती है, सपने आपके हैं तो आपको भी इन पर मेहनत करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं जो नया साल जो अब जो साल आने वाला है ये साल बहुत बेहतर होने वाला है आप पर। कुछ चीजें ऐसी हैं मैं चाह कर भी आपको नहीं बता सकता, कोई मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको मैं इतना ट्रस्ट दिला सकता हूँ, ट्रस्ट दिला सकता हूँ कि हम जिस कंपनी से काम कर रहे हैं वो कंपनी हमारी की लाइफ की फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको दिल से कह सकता हूँ चीजों को लिए, क्योंकि कंपनी सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब जानता हूँ दोस्तों, मैंने कंपनी की हर चीज जानता हूँ, एक एक बारीकी जानता हूँ मैं। आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ कंपनी का, इतना विश्वास दिला रहा हूँ हम सही जगह पर जा रहे हैं। प्लीज लीडर्स लोगों की बातों में आकर लोगों के बहकावे में आकर अपने मकसद को अपने सपनों को अपने सपनों में माइंड को चेंज कीजिए, अपना फोकस माइंड एक जगह पर रखिए। सपने आपके हैं, सपने आप ही सच करेंगे। जैसे आपको मैं बताया बगैर सपनों के आप जिंदगी नहीं जी सकते, सपने के एक इंस्ट्रूमेंट रहे। तो इस कंपनी में कितना विश्वास कर सकते हैं आपने यहाँ सोचना है, आपने यहाँ सोचना है। कब सोचेंगे? जब तक कंपनी का आप एजुकेशन कॉर्नरशिप बिजनेस को इन तीन पिलर को नहीं समझेंगे आप। कुछ आप जब भी कोई लीडर्स आज के पूछने आता है आप उनसे एक बात पूछिए ये कंपनी तीन लीडर तीन वो क्या है, तीन पिलर्स क्या है। अगर वो सब तीन पिलर का एक्सप्लेन कर देंगे ना इसका मतलब आप सही राइट फाइनेंशियल पाथ पे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के। क्वेश्चन पूछिए लीडर्स, मैं क्वेश्चन में तैयार हूं, बोलिए। नंबर वन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पता करना चाहते हैं आप, पूछना चाहते हैं क्वेश्चन मुझसे? लीडर्स अब आते हैं क्वेश्चन के बाद, पूछिए क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन देने तैयार हूं सर। ओके सर, सर वन एक्सपेक्टेड टू लॉन्च। सर आपको बता दें मार्च के अंदर कंपनी 5 तारीख से ही काम शुरू हो जाएगा हमारा, ब्लॉकचेन में काम शुरू होगा एक्सचेंज के अंदर। तो भगवान भली करे, प्रेडिक्शंस कह रहा हूँ मतलब उसके तथ्य मतलब मान लेना, कोई जिंदगी में कभी ये सोचता है जो हमने कह दिए वो तथ्य होगा, नहीं। इन चीजों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मार्च के बाद, मार्च तक हम शायद एक्सचेंज के अंदर हो जाए इसके लिए।
सर को मैंने स्लाइड में बताता हूँ, सीआर को हम सेल और बाय कर सकते हैं जो फर्स्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर ज्वाइन किया, उनका उनका 1.5% के मंथली के बेस पे कंपनी अलाउ कर रही है जो कंपनी ने बताया। बाकी जो सही चीजें आपको वेट करने पड़ेगी जब मार्च के अंदर, क्योंकि कुछ चीजें अगर आज मैं आपको बताता हूँ तो उसके बदले में आप उस चीज को कहते ना मेरी बात को लकीर का फकीर मान लेते हैं कि बिजनेस के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव करते रहते हैं। अगर आपको लगता है अगर सही प्लेटफॉर्म में है, अगर आपको लगता है महसूस होता है कि आप जिस कंपनी से काम कर रहे हैं वो कंपनी का विजन मिशन लॉन्ग टर्म है और फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाली है, तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने पड़ेंगे। और मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, पेशेंस विल बी रिवार्डेड बाय कंपनी। पेशेंस, आप जितने पेशेंस करें कंपनी आपको उसका रिवार्ड 100% देगा। सर इंडिया के अंदर रोल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कुछ चेंजेस अब आ रही हैं, और कुछ चेंजेस मैंने भी जो हमारे सीए हैं, जो इंडिया के सीए हैं, उसने इन चीजों काम करा, इसके लिए आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो विड्रॉल सिस्टम इंडिया में आसान नहीं है करने के लिए, आपको भी मालूम है, आप तो बड़े मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं हिंदुस्तान के बारे में, तो विड्रॉल के लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ेंगी। प्रिकॉशंस क्या है वो आपको जो कोर्सेज होते हैं उनमें आइए तो आपको उसके प्रिकॉशन बारे में बताया जाएगा, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा लेना और उस चीज को यूज करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। तो मैं आज आपसे पूछूंगा भी आज आपको विड्रॉल में हाथ में कंपनी $1,000 या $15,000 दे देंगे तो आपका माइंडसेट ये हो जाएगा भी मेरे महीने के मंथली कितने पैसे आ रहे हैं, तो मैं इसको पैसों का मतलब कोई गाड़ी ले लेगा, कोई मोबाइल फोन लेगा, उसे वेस्ट करेगा मनी। हमारी कंपनी ये नहीं कहती, हमारी कंपनी कहती है जो भी फ्यूचर में हम आपको पैसा दे, जो भी हम आपको आपके डिविडेंस दें, जो भी हम आपको फ्यूचर में प्रॉफिट बोनस दें, जो भी हम आपको लॉयल्टी बोनस दें, उसको आप सही ढंग से डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह में पैसा लगाकर उसका जो मुनाफा है उसको जो पैसिव इनकम रूम में, उस पैसिव इनकम से अपने एक्सपेंसिव कवर करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। और मैं कहूँ ये मकसद है। सर जो अंडर 18 का जो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, सर ये सिंपल नॉर्मल से कोई माइनस आप मिस्टेक कर रहे होंगे, इसके लिए अभी जो जनवरी के अंदर मैं कोर्सेज शुरू कर रहा हूँ दोबारा से, ऑनलाइन कोर्सेज आपको उसमें पूरा ट्रेंड किया जाएगा कैसे कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए वेट कीजिए। बाकी आपके लीडर से पता कैसे नहीं पता चलता, तो जो हमारा प्रवीण जी हैं जो दिल्ली के ऑफिस मैनेजर हैं, अब उनसे कनेक्ट करके आप उनके माइनस के लिए पता कर सकते हैं कैसे आईडी वेरिफिकेशन करनी है। सर 0.01 सेंट जो लिखा है सर उससे कुछ मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होती है मैं चाह कर आपको नहीं बता सकता, कुछ पेशेंस कीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, पेशेंस से कीजिए, ट्रस्ट कीजिए कंपनी पर, कोई कंपनी का विजन मिशन बहुत बड़ा है उसमें ट्रस्ट कीजिए कि दोस्तों हर चीज को एक वक्त लगता है, जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती जाती हैं, जैसे कंपनी विजन मिशन बढ़ा उनके साथ दोस्तों के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है वर्ल्ड के ऊपर उसको हम खराब करें, मैं नहीं चाहता, और मैं चाहता मेरे आम पब्लिक हिंदुस्तान भाई इस चीज को नेगेटिव लेके जाएं, बस इतना कहता हूँ हमेशा आप दोस्त को ले, ट्रस्ट ऑन कंपनी, कंपनी का मकसद बहुत बड़ा है, उनका विजन मिशन बहुत बड़ा है दोस्तों। जिस दिन कुछ होगा मैं पहला इंसान, मैं हिंदुस्तान पहला इंसान ऐसा होगा जो आपको लाइव वेबिनार करके बताऊंगा दोस्तों कंपनी भाग रही कंपनी, मैं खुद बताऊंगा, लेकिन अभी तक कंपनी का जो मैंने समझा, जो कंपनी के मैंने एजुकेशन, जो कंपनी के जो लेक्चर्स देख रहा हूँ, जो कंपनी से बड़े लीडर से बैठता उठता हूँ, उनसे एक चीज सीखी है कि कंपनी कहते ना लंबी रेस के घोड़े हैं, ये लंबी लंबी रेस के घोड़े जिसका मकसद क्या है, पीढ़ियों दर पीढ़ियां काम चलता रहेगा, लेकिन इसके लिए को पेशेंस खाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया आपको सुशी मास्टर स्पेन के अंदर, सुशी मास्टर बेलरूस के अंदर, अभी तो कुछ और भी आने वाला है, वेट से कीजिए। अभी तो सीआर क्लब के भी 9 महीने हुए दोस्तों, 9 महीने में कंपनी इतना प्रूव कर दिया, 9 महीने में कंपनी आपको लॉयल्टी दे दी, 9 महीने में कंपनी प्रॉफिट बन जाती है, अभी अगले नेक्स्ट क्या देने वाली है, वेट एंड वॉच। यस सर कंपनी जो आपने जो 80 बिलियन का कहा वो टारगेट कंपनी है, टारगेट हर इंसान का टारगेट होता है, विदाउट टारगेट कंपनी काम नहीं कर सकती, आपको पता नॉलेज है, टारगेट्स के बिना विदाउट गोल्स के कोई अचीवमेंट नहीं कर सकता, बगैर किसी चीज के कंपनी काम नहीं कर सकती। टारगेट यही है, कंपनी ऑलरेडी 27 बिलियन आप दे चुके हैं, कंपनी सेल कर चुकी है जो स्टेज में, और 8 तारीख को ऑलरेडी हम नए स्टेज में एंटर हो रहे हैं जिसका प्राइस अलग ही होगा। सर जो वीजा के लिए बात कर रहे हैं, कौनसलर वीजा के बाद आपको
मतलब जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, वियतनाम में होगा या रशिया का होगा, वो इवेंट में क्या क्या चाहिए फॉर्मेलिटीज वो आपको आपको दी जाएगी। मैं टेंशन लीजिए, एक इन्विटेशन लेटर होता है वो आपको मैं कंपनी तरफ से, जिन लीडर्स जाएंगे वो नाम दे देंगे अपना, तो मैं कंपनी तरफ से लेटर में इन्विटेशन लेटर प्रिपेयर करा के आपको वो मिल जाएगा। इसकी मैं टेंशन लीजिए, नॉर्मल चीज है, इसके लिए अपडेट मिलती रहेंगी। जिनके 30,000 सीओडी क्रेडिट हुए, मैंने आपको 10-15 दिन से ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने अपलाइनर लीडर से बात कीजिए। अपलाइनर के बाद उस लीडर्स ने क्या करना, दिल्ली के अंदर जो हमारा ऑफिसर प्रवीण सर है उनको लिस्ट देनी है। तो दोस्तों बदकिस्मती ये है, हमारे कुछ लीडर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले रहे हैं, जिसका नुकसान आप आम जनता भुगत रही है। और मैं ये कहता हूँ प्लीज लीडर उन लिस्ट बना के दो, क्योंकि ऑलरेडी 370 लोगों के लिस्ट ऑलरेडी मैंने कंपनी में 2 दिन पहले भेजी है, जिन लीडरों से घंटी ले भी, हाँ ये बंदे मतलब सही है और जो बंदे टेस्ट करने वाले हैं, उन लोगों को प्रूफ दिखाकर कंपनी कहती है अब नेक्स्ट दिनों में उनके आईडी के अंदर, उनके बैक ऑफिस के अंदर पोर्टफोलियो 30,000 सीआर जो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं के होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपने लीडर्स ने अपने डाउनलोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर प्रवीण सर जी को दी है, लेकिन कुछ भी लीडर अभी दे नहीं रहा। सर एसटीओ आने के बाद क्या डिविडेंड की, सर एसटीओ एक अलग चीज है, डिविडेंड एक अलग चीज है, आप दो मिक्स है। डिविडेंड कहां से मिलता है, आप तो ये चीज नोटिस कीजिए, डिविडेंड से मिलता है एक बिजनेस एक प्लेटफॉर्म से। जब कंपनी डिफरेंट सेक्टर, जैसे कंपनी इस टाइम 60 पोर्टफोलियो है, 60 पोर्टफोलियो में जहां उसे अर्निंग्स होती है, उसमें अर्निंग में कुछ 80% यानी 8-35% वो डिस्ट्रीब्यूट करती है आम जनता में, आम सीआरयू क्लब के होल्डर्स को देती है, तो उसमें से आपको मिलता है, ना कि एसटीओ के उस लॉन्च मिलता है। जैसे जैसे कंपनी के पोर्टफोलियो, जैसे कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका डिविडेंड्स भी इंक्रीज होता जाएगा। ये तो लॉजिक चीज है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो डिविडेंड इंक्रीज होगा, जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो कंपनी वो प्रॉफिट आपके लीडर्स अंदर जो आपके लीडर्स हैं, आपके सीआरयू क्लब के होल्डर्स हैं, जो मेंबरशिप होल्डर्स हैं सीआरयू का, उनमें एक्स्ट्रा ज्यादा मिलेगा, वो तो नॉर्मल चीज है दोस्तों। सर यस सर आपने सही बोले, जो डिवाइस के जो किसकी बात करें, 2,000 रुपीज की बात करें, 50 के जो $50 की बात करें, वो ऑटोमेटिक आपके ऐड हो चुके होंगे, वो कंपनी काटा नहीं है। वो कैसे नहीं काटे $50 आपको, मैं तो बात क्लियर करना चाहता हूँ लीडर्स के अंदर। क्रेडिट कार्ड, जो लीडर क्रेडिट कार्ड यूज करता है उसको क्रेडिट कार्ड का मतलब पता है क्या होता है, जब कंपनी ने आपका $50 काटे थे, आपके बैंक में शो कर गए थे भी इतने बोनस में से माइनस कम हो गए, ठीक है ना, लेकिन जब कंपनी नेक्स्ट 2 दिन बाद उसी को प्लस कर दिया था। क्रेडिट कार्ड में होती है गारंटी, होती है मिनिमम गारंटी, आपके $50 कंपनी मिनिमम गारंटी रखे थे, लेकिन साथ में वो ₹50 बीच में ऐड कर दिए थे, उन्हें किसी कंपनी ने काटे नहीं है। लेकिन आप ये पूछेंगे हमें शो नहीं कर रहा, आपको शो भी नहीं करेंगे सर, ये एटमिक क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी होती है, कंपनी $50 वो भी जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड के फंक्शन की तरह ही यूज किए थे, काटे थे बाद में भी ऐड कर दिए थे, मैं आउट नहीं हुए थे। सर जो इंडिया में कंपनी का पेमेंट पड़ा है वो कब क्लियर होगा, सही है मैं बात समझा नहीं, इंडिया में कब पेमेंट हो किया आपने, किसकी बात कर रहे हैं सर, उसके लिए आप मुझसे पर्सनली कर लीजिए, नहीं तो जो प्रवीण सर या मैनेजर ऑफिस उनको बात कीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे पूरा, मैं टेंशन लीजिए। सर वेरी गुड, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लीडर पूछने में जो साइड में लिखा हुआ 100% 90% 80% क्या है। सर ये जैसे आपको पता है कंपनी ये एमएलएम का एक पार्ट है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट लाइन के अंदर कोई ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद जो लीडर्स को उसके ऊपर कमीशन मिलता है, फर्स्ट लाइन होल्डर को उसे मिलता है 100%, जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाएंगे वो 100% कम होता जाएगा। जैसे पहले फर्स्ट लाइन के अंदर 8% है, 8% मिलता है, किसी ने 100 यूनिट्स का पैकेज लिया उसको मिला 8% 8 रुपए हो गया, फर्स्ट में मिलेगा 8 रुपए, सेकंड स्टेज में उसके मिलेगा 90%, यानी उसे मिलेगा 7 रुपए 20 पैसे ये मिलेंगे। जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी उस चीज का उसके जो नेटवर्क का जो जो काम कर रहा है नेटवर्क प्लान फोकस करेगा उसे कम होता जाएंगे, ये चीज होती है। सर मास्टर भी नेपाल में, सर आप लीडर्स ब्रांड है, मैं तो फैब्रिक के अंदर भी नेपाल में मास्टर कोर्स करा सकता हूँ, लेकिन मुझे लीडर्स चाहिए आगे आए।
अभी तक किसी लीडर ने लिस्ट नहीं दी मास्टर कोर्स करने के लिए, और किसी लीडर ने ये नहीं बताया कहाँ कहाँ इवेंट्स करने हैं। मैं ऑलरेडी हर इवेंट के जो लीडरशिप काउंसिल मैंने बनाया इंडिया के बेस में, जो लीडर्स दिखाए मैंने आपको, इन लीडर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन पता है। अब ये आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं दे रही, आपके अंदर ट्रांसफर नहीं कर रहे, वो उनकी गलती है। फिर भी आपसे मैं कह रहा हूँ, आपको जो लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो वो फॉलो कीजिए। आप प्रवीण सर से, जो कंपनी मैनेजर है हमारे ऑफिस के अंदर, उनसे पता कीजिए, चाहे मुझे पर्सनली पता कर लीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। और जिन जिन लीडर्स ने मास्टर प्रॉफिट कोर्स करने हैं, कम से कम कंडीशन क्या है, मैं 30 लीडर चाहिए जिन्हें खाना पीना रहना कंपनी का होता है, प्लस 30 लीडर से ज्यादा मिनिमम होंगे, तभी मैं वहां पर जो कंपनी के जो बेस्ट प्रोफेशनल लीडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, मैं बाहर से लेके आ सकता हूँ उसी जगह जहाँ आप चाहेंगे। लेकिन मिनिमम 30 लीडर चाहिए क्लासरूम के लिए, ये कंपनी पॉलिसी है। सर मैं क्रेडिट नंबर आप जान से मर्जी पता करें, फिर भी मैं लिख रहा हूँ अपना क्रेडिट नंबर, लिख देख लीजिए गुरी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप ऐड करके आप जो भी आपकी इंक्वायरी में पता कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आई थिंक आज आपको मैंने बहुत कुछ बातें क्लियर कर दी कंपनी के बारे में, कंपनी का मकसद क्या है, विजन मिशन क्या है, क्योंकि हम सब लीडर्स पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब ये सोचते हैं कंपनी ये कर दिया। भाई इतना कहना दोस्तों, फोकस ऑन 3 नीव, कंपनी के तीन मकसद हैं, तीन मोटो, एजुकेशन, ओनरशिप एंड बिजनेस। एजुकेशन लीजिए दोस्तों, जब आपके पास कंपनी की फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाएगी ना, ऑटोमेटिक आप ओनरशिप लेने के आपका काबिलियत आ जाएगी, कैसे काम करना। उसके बाद जब दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, थर्ड बिजनेस। दोस्तों बिजनेस में बहुत कुछ है, इतना कुछ है बिजनेस में आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको पूरा कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। उस एजुकेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आप पर्सनली मुझे पता कर सकते हैं। सर वो इंडिया के अंदर मैं कह रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, उसके पेशेंस कीजिए, क्योंकि इजी नहीं है मेरे लिए भी टास्क इंडिया में पेमेंट विड्रॉल सिस्टम शुरू करने के लिए, क्योंकि इन चीजों समझने के लिए कुछ लीडर्स है समझते हैं भी कैसे हमने यूज करना, किस लीडर्स इस चीजों को नेगेटिव तरफ लेके जाएंगे जो अब भी हो रहा है। कैसे कुछ लीडर्स अब कंपनी एसटीओ लॉन्च नहीं किया अक्टूबर के अंदर, तो कुछ लीडर्स ने कंपनी को फेक तक कह दिया, कुछ लीडर्स कंपनी ये कह रहे हैं कंपनी फ्रॉड है, कंपनी ये कह रहे। लेकिन लीडर्स अगर कंपनी फेक फ्रॉड होती ना, आज मैं आपके साथ वेबिनार नहीं करता होता। आज कंपनी आपको सुशी मास्टर जो प्रूफ दिया कंपनी स्पेन के अंदर बेलारूस के अंदर खोल गया वो प्रूफ नहीं करती, और कंपनी जो विजन मिशन दिखाया कंपनी ने वो ना दिखाती। दोस्तों मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी में वेट एंड वॉच कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, कोई बिजनेस कर रहे हैं हम ना कि कोई हम कोई ये कर रहा है एक रुपए लगा दो रुपए लगा, नहीं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर्स के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर। आपको अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको कंपनी के पूरे रूल्स है रेगुलेशन और एक अच्छे इन्वेस्टर के अच्छे बिजनेस के ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। जैसे स्कूल में अंदर, जैसे एक स्कूल में एक हेडमास्टर बनने पहले उसके हमें हेडमास्टर बनने के लिए कोर्स करने पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर बनने के लिए कोर्स करने पड़ते हैं, जैसे इंजीनियर बनने के लिए कोर्स करने पड़ते हैं, वैसे ही आपको अगर कंपनी का एक अच्छा इन्वेस्टर, कंपनी एक अच्छा बिजनेस में बनना पड़ेगा तो कंपनी के आपको सारे कोर्स करने पड़ेंगे। सर 50 साल तो पता नहीं सर, कुछ तो वेट करना पड़ेगा सर। कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो उनको 15 साल 20 साल 30 साल वेट किया सर, वो आपके थिंकिंग ना, कितने साल वेट करना चाहते हैं, आप लीडर्स पे डिपेंड है, और कंपनी विजन मिशन क्या है। यस सर सबसे बढ़िया बात अच्छी की, जो भी लीडर आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी लीडर सेकंड फेज में, जो भी क्लाइंट ने पार्टनर हमारा सेकंड फेज के अंदर जुड़ेगा उसे भी डिविडेंड्स लेने का हकदार बनेगा। फर्स्ट स्टेज में जो फर्स्ट फेज में डिविडेंड्स मिला है, जैसे डिविडेंड्स मिलेगा सेकंड स्टेज के अंदर भी 31 दिसंबर 2020 तक जितने भी क्लाइंट्स और पार्टनर इसका कंपनी जुड़ते जाएंगे वो सबके सब डिविडेंड्स लेने के लिए हकदार रहेंगे। फेज वन और फेज टू में जितने लीडर जुड़ते जाएंगे वो कंपनी का लॉयल्टी बोनस, प्रॉफिट बोनस प्लस डिविडेंड लेने के हकदार है, जो कंपनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कंपनी दी हमें 2020 तक यानी दिसंबर लास्ट तक। सर स्काईवे के लिए आपको मैंने कहा था स्काईवे के लिए आपको स्टडी करें, स्काईवे का जो विजन मिशन क्या है
वो आप देख सकते हैं अभी चीज क्या लॉन्च की है लेटेस्ट चीज, आप RSW पे जाके लेटेस्ट न्यूज देख सकते हैं। सर AMA जो ऑप्शन है अभी तक 15 जनवरी तक कंपनी का है, अभी तक तो 15 स्टेज का जो हमारी स्टेज सेकंड स्टेज है वो हमारी 8 तक है, तो 8 तक AMA चलेगी सर, 7 जनवरी तक लास्ट AMA चलेगी। सर डिविडेंड सॉरी मास्टर प्रॉफिट लेने के लिए कोई रैंक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम उसको नॉलेज होनी चाहिए क्या करा है। मास्टर प्रॉफिट की रैंक की जरूरत नहीं सर, मास्टर प्रॉफिट ओपन जो मर्जी ले सकता है 18 साल से लेकर आफ्टर एज तक, जिससे नॉलेज की कोई एज नहीं होती सर, डिपेंड उसमें वो क्या नॉलेज लेना चाहता है। सर इंडिया में स्काईवे कब आएगा? सर इंडिया में स्काईवे की बात मुझे मैंने सुनी नहीं, आपको किसने बताया मुझे मालूम नहीं है। अब इधर स्काईवे सर दुबई के अंदर शुरू काम चल रहा है इनका शारजाह में, बाकी इंडिया में कब चलेगा ये पता नहीं सर मुझे। नहीं सर फर्स्ट जनवरी तक ऑफर चलेगी इनकी जो पहली स्टेज की सर जो चलेगा, और सेकंड स्टेज की चलेगी जो सीआर जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। ओके दोस्तों फिर भी आपका कोई क्वेश्चंस होगा आप मुझे पसंद लिख दीजिए, मैं आपको हर चीज आपको रिप्लाई दूंगा। और जनवरी के अंदर और मैं इंडिया में भी एक तरफ से वेबिनार्स ऑन कर रहा हूँ, ऑफलाइन वेबिनार्स ओपन कर रहा हूँ अपने लीडर्स के साथ मिलकर जो इंडिया टूर निकालेंगे। और आप कहाँ कहाँ चाहते हैं आप लीडर्स का नाम दे सकते हैं, जैसे पूना का नाम आया, जैसे मेरे पास पटना का नाम आ रखा है, गोरखपुर का, हैदराबाद का, तो इन जगह इन्होंने लीडर्स नाम दिए अपने करने के लिए। तो वहाँ पर फाइनल करने के बाद आप अपने एरिया में जहाँ लीडर्स चाहते हैं ट्रेनिंग्स के लिए मास्टर ऑफ ट्रेनिंग्स जीनो फ्रेंड्स गेम कोच ट्रेनिंग्स प्लस ओपन कॉन्फ्रेंस प्लस लीडरशिप ट्रेनिंग्स आप चाहते हैं, तो आप अपने जो स्पॉन्सर्स हैं जो आपके जो मेन एरिया के लीडर्स हैं, क्योंकि मैंने इंडिया के अंदर जितने स्टेट्स हैं उनके उनके अकॉर्डिंग लीडर्स, अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको रितीश सर से बात करनी पड़ेगी, या पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको इंद्रजीत से बात करनी पड़ेगी, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो आपको दोला मई से बात करनी पड़ेगी। इन लीडर्स को मैंने स्पॉन्सर दे चुकी है डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग, तो आप उनसे बात करके अपना लिखा सकते हैं ताकि उनके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे, और जहाँ जहाँ स्टेट्स के अंदर आप मीटिंग चाहते हैं वेबिनार ऑफलाइन वो मैं वहाँ करने लग जाऊंगा। यस सर अहमदाबाद जहाँ भी चाहते हैं आप प्लीज अपने जो स्पॉन्सर हैं उस स्टेट के, तो आप उन लीडरशिप काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात करके अपना नाम और सब कुछ लिखा दीजिए। सर आगरा में ऑलरेडी सुभाष जी कर रहे हैं जनवरी के अंदर, सुभाष जी गोस्वामी हैं उनसे बात कर सकते हैं आप। यस सर रांची आप अपना एरिया में लीडर से नाम दे दीजिए तो आपसे बात कर लेंगे। मध्य प्रदेश में सर दो लीडर्स हैं, जय शर्मा जी हैं, एक दो लीडर्स और भी हैं, अतुल कुमार गुप्ता भी हैं, तो उनसे बात करके आप बता सकते हैं जहाँ चाहते हैं आप। ठीक है ओके दोस्तों आई थिंक एक घंटा तीस मिनट हमने वेबिनार किया, आपका पेशेंस के लिए धन्यवाद। कहते ना वैल्यूबल टाइम वैल्यूबल पेशेंस जो आपने इतना टाइम दिया मुझे मेरी वेबिनार सुनने के लिए। वेबिनार में कई तरह के मुझसे बोलते समय गलती हो गई, उससे मुझे माफी चाहता हूँ आपसे, और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप कंपनी का विजन मिशन समझेंगे और कंपनी की पूरी सेल्फ स्टडी कोर्सेज करेंगे, ना कि किसी लीडर्स के कहने पर काम करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ नए साल में, आपसे एक ही विनती करता हूँ सबके सब लीडर्स कंपनी की सेल्फ डेवलपमेंट स्टडी कीजिए और कंपनी के पूरे कोर्स लिए, कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी का विजन क्या है उस पर स्टडी कीजिए, ना कि किसी कहने पर पैसा लगाए। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये करो किसी कहने पर लोन उठाकर कभी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी कहने पर लोन उठाकर कभी किसी कभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई बिजनेस का रूल्स और बिजनेस का पॉलिसी उसको समझिए। मेरी तरफ से हरविंदर सिंह आपके सब मेरी तरफ से धन्यवाद और आपको नए साल की मुबारकें, और मैं चाहता हूँ नए साल में भगवान आपको सक्सेस दे, आपको हर लाइफ के अंदर आपको सक्सेस मिले, आपको वेल्थ के अंदर सक्सेस मिले, आपको हेल्थी लाइफ के अंदर हर चीज में आपको सक्सेस मिले और आपके जो सपने हैं वो साकार हो। धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नए लीडर्स के साथ नए वेबिनार के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना भूल गया, वेबिनार्स के लिए मुझे लीडर्स के नाम चाहिए जो वेबिनार्स अपने भाषा में वेबिनार कराना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, साउथ में, तमिल में, महाराष्ट्र में, जिन जिन लैंग्वेज में आपको वेबिनार चाहिए प्लीज अपने नाम लिखा के दीजिए मुझे। धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, और नया साल आपके लिए खुशियों भरा। बाय बाय, टेक केयर।